हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग सॉटन जोन में तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेट सी एंड डी 2020 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच तीन शिफ्ट तीन डेज़ में अलग अलग शिफ्टों में उनके रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट एस ने अनाउंस कर दिया है सो कट ऑफ जो है वो एज़ यूजल जैसी हर साल रहती है वो है लगभग ई डब्ल्यू एस की अगर हम बात करें एक सौ अड़तीस पॉइंट चौंसठ यू आर की एक सौ छियालीस पॉइंट सेवेंटी नाइन एक सौ बत्तीस पॉइंट बानवे अस्सी एस टी की एक सौ सत्रह पॉइंट चौवालीस ओ बी सी के एक सौ बयालीस पॉइंट छत्तीस और टोटल छत्तीस सौ आठ कैंडिडेट्स जो हैं वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं ग्रेड सी के लिए और Uh, इस बार जो कट uh, ऑफ है वो थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ़ वैकेंसी क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है ग्रेट सी में भी अच्छी वैकेंसी है और ग्रेट डी में भी और टेंटेटिव वैकेंसी से लगभग 300 से 400 सौ वैकेंसी फाइनल जो होगी वो आपको बढ़ने को देखने को मिलेगी और वैकेंसी क्या रह सकती है फाइनल 2020 के लिए वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दो की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो ये थी ग्रेट सी की कट uh, ऑफ अब हम बात करते हैं ग्रेड डी की जो लिस्ट टू में है इसमें जो कट ऑफ़ है यूआर कैटेगरी की 131.22 थर्टी वन पॉइंट टू टू ई डब्ल्यू एस की एटी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स सिर्फ एटी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ई डब्ल्यू एस की ग्रेड डी में रखी गई है कट ऑफ और बहुत बड़ी बात है ये बहुत कम कट ऑफ है इसके बाद एस की एटी फोर पॉइंट सिक्स वन ओ बी सी की एक सौ छब्बीस पॉइंट बहत्तर एक सौ तीन पॉइंट नवासी एस की चलेगा इस ई की मैं एक और बेनिफिट की बात करता हूँ सबसे पहली चीज़ ये कि ई की जो कट ऑफ है ग्रेड डी में बहुत कम दिख रही है उसके साथ साथ जो स्किल टेस्ट होगा आपका उसमें भी टेन जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स uh, को अलाउ किया जाता है एरर मार्जिन का वही ई को भी अलाउ किया जाएगा ग्रेड डी में और ग्रेट सी की बात करूं तो फाइव परसेंट और सेवन परसेंट होता है तो सेवन परसेंट भी ई कैटेगरी को मिलने जा रहा है तो ई कैटेगरी के, के लिए तो बल्ले बल्ले है सो so गाइज ये कट ऑफ थी दो की आ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच